ये देखिए भाई, फिश कढ़ाई की फिश आ गई है, अब इसकी कढ़ाई लगेगी। ये भाई हमारी झींगा कढ़ाई रेडी होके आ गई है। ये देखिए भाई, गिस्सर का भाई यहाँ पे माशाल्लाह फ्राई हो रही है जबरदस्त। ये भाई फिश के साथ साथ माशाल्लाह से देखें यहाँ बेहतरीन सी अगवानी बोटी भी लगी हुई है यार, जबरदस्त। ये देखें भाई क्या जबरदस्त टेम्पटेड बॉडी है। ये देखें भाई यहाँ भी ग्रिल लगी हुई है जबरदस्त। देखें भाई न्यू खान क्वेटा फिश रेस्टोरेंट, यहाँ भी भाई माशाल्लाह से देखें हर तरह की मछलियाँ लगी हुई है। ये भाई ये रेडी हो गया भाई, ये देखें ग्रिल फिश निकल रही है और ये फ्राइड फिश आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, माशाल्लाह आपके हमने दोनों स्टॉल पे विजिट किया है, खूब गहमा गहमी मची हुई है और आपने अपने हाथों से कढ़ाई बना के दिखाई। झींगा कढ़ाई खाने के लिए आए और ग्रिल फिश खाने के लिए आए। बिल्कुल। और आपके हाथ से तो ये बताए कितनी देर में बन जाती है ये 10 मिनट में बन जाती है हमारी, 10 मिनट में बन जाती है। तो क्या क्या चीजें डलती हैं इसके अंदर? इसके अंदर बहुत सारा मसाला होता है हमारा, अपने प्राइवेट मसाला होता है। अच्छा, सीक्रेट मसाले हैं? सीक्रेट मसाले। और ग्रिल फिश की क्या बात है? ग्रिल फिश हमारा मास्टर, इसका जायका अलग है, ये सॉफ्ट बनता है और मुलायम भी होता है। अच्छा, ये हमारा राइट हैंड है हमारा डाणा उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब क्या हाल है, खैरियत से? माशाल्लाह से आपने फिश खाई, कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त फिश था और आज मौसम भी फिश खाने का। अच्छा, तो ओए होए होए अदनान भाई, ये आ गई हमारी झींगा कढ़ाई, ये आ गया भाई हीरे का ग्रिल्ड, ये आ गए प्रॉन्स, ओए होए ग्रिल्ड प्रॉन्स अलग है और फ्राइड अलग है, जबरदस्त। देखें भाई ट्राई ग्रिल्ड प्रॉन्स, जूसी जूसी, ओए होए होए देखेंगे, एक्सीलेंट टेस्ट है भाई इसका। और ये वाला भी ट्राई करते हैं, फ्राइड वाला। भाई ये आ गया प्रॉन्स कढ़ाई का नंबर, ओए होए धुएं देख सकते हैं आप, ओए होए ये देखें, एक्सीलेंट टेस्ट है, जबरदस्त मजा आएगा, मस्त ट्राई भाई। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और दोस्तों के साथ फिश खाने का मूड हुआ तो हसन स्क्वायर पे कराची की बेहतरीन किस्म की फिश मिलती है और यहाँ पे काफी सारे स्टॉल्स हैं और हर तरह की फिश है। और आजकल जो है ना झींगा कढ़ाई और फिश कढ़ाई की जो है बड़ी धूमे मची हुई है, तो आए यहाँ का देखते हैं किस तरह का मंजर है। तो ब्लॉग का आगाज करते हैं, हमारे साथ रहेगा। ये भाई हम लोग आए कल्चर फिश के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? रिजवान नाम। रिजवान भाई सबसे पहले तो ये बताएं कल्चर फिश पॉइंट जो है आपका जी, ये कितने अरसे पुराना है? सर ये तकरीबन 11-12 साल हो रहे हैं। 11-12 साल हो गए माशाल्लाह। आपके पास सबसे अभी जो सीजन की फिशेज है वो कौन कौन सी अवेलेबल है, बताएं जरा हमारे हमारे पास सीजन के हिसाब से ना, ये डांगरी बोनलेस है सर। अच्छा, ये कांटा नहीं है, 2200 रुपए किलो है सर। अच्छा, ये ग्रिल होता है, बहुत बेहतरीन होता है, लशपश। और ये हीरा है 1800 रुपए किलो है, जेन्युइन हीरा है सर। ये रानी पापलेट है, ये भी 1800 रुपए किलो है सर। ये बहुत बेहतरीन है, हमारे चलने वाला कल्चर का आइटम है सर। अच्छा, इसमें झींगा प्रॉन्स है, बिल्कुल जेरा फ्रेश मिलेगा आपको। अच्छा सर, ये भी 2200 रुपए किलो है। ये मुश्का है सर, 1600 रुपए किलो है, जेन्युइन मुश्का। ये तो ग्रिल भी हो जाती है, फ्राई भी हो जाती है, फ्राई भी हो जाती है। बाकी ये धोतर है, दंदिया व्हाइट कौन सर, बिल्कुल व्हाइट है। अच्छा, बाकी ये रोहू है, बाकी हीरा गिस्सर, व्हाइट पापलेट, जो सुरमाई। और ये वाली कौन सी मसाले का? बाकी ब्लैक पापलेट, ब्लैक पापलेट भी है सर हमारे पास, कढ़ाई भी। अच्छा, सर सुरमई जो है आपको बड़ा अच्छा साइज में अवेलेबल है, बिल्कुल फ्रेश पीस से काट के देंगे, देखो बिल्कुल लाल कलर का होंगे, इससे व्हाइट है बिल्कुल। तो ये क्या हिसाब किताब है? ये 2400 रुपए किलो है सर। अच्छा, मैंने सुना कढ़ाइयां भी चल रही है। कढ़ाई भी हमारे पास है। अच्छा, प्रॉन्स कढ़ाई, बेहतरीन कढ़ाई बनता है, स्पेशल कढ़ाई भजन। कहाँ बन रही है कढ़ाइयां? जरा अंदर बन रही है किचन में। अच्छा, जा सकते हैं वहाँ पे? कोई मसला नहीं है, तो चलते हैं अभी किचन में, दिखाते हैं जरा कढ़ाई वढ़ाई भी। तो साथ जी फ्रेंड्स, अभी जहाँ कढ़ाइयाँ बन रही है वो भी दिखाते हैं जरा आपको। ये भाई कढ़ाई की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, झींगा कढ़ाई की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान। इमरान भाई, अभी सबसे पहले आप झींगा कढ़ाई बनाना है, क्या क्या डालना है? सबसे पहले झींगा को हाफ बॉइल करना है। हाफ बॉइल हो रहा है झींगा, उसके बाद फिर आपको ऑयल लेना है। ऑयल लेना, उसके बाद एक केजी के अंदर 4 दाने टमाटर आएंगे। अच्छा, उसके हरी मिर्च डाली है। उसके बाद हरी मिर्च डाल के इसको थोड़ा अदरक लहसुन का पानी लगा के इसको दम दे देंगे। अच्छा, निकालने के लिए अंदाजन कितनी देर में बन जाती है ये? मैक्सिमम 10 से 12 मिनट के लिए। अच्छा, ये क्या क्या डालना बताते रहे? ये लाल मिर्च, लाल मिर्च आ गई। ये नमक, नमक आ गया।
सॉल्ट और उसके बाद अच्छा टमाटर का छिलका ये देखें भाई फिश कढ़ाई की फिश आ गई है अभी उसकी कढ़ाई लगेगी झींगा डालेंगे उसके बाद वो टमाटर के ये भाई इसके अंदर आ गया झींगा झींगा साथ ही अदरक डालेंगे कटी हुई अदरक आ गई भाई पिसा हुआ धनिया आ गया ये भाई हमारी झींगा कढ़ाई रेडी होके आ गई है गार्निशिंग हो रही है देखें क्या टेम्पटेड झींगा कढ़ाई है यार फुली टेंडर मसाले डल रहे हैं भाई मसालों के तड़के डल रहे हैं ओए होए यहाँ फिश फ्राई हो रही है यहाँ देखें फिंगर फिश है और यहाँ जो है बड़ी मछलियां लगी हुई है जो है फ्राई हो रही है ये देखें भाई ओए होए 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 ईरानी पापलेट जा रही है भाई गिस्सर का भाई यहाँ पे माशाल्लाह फ्राई हो रही है जबरदस्त भाई फिश के साथ साथ माशाल्लाह से देखें यहाँ बेहतरीन सी अगवानी बोटी भी लगी हुई है यार जबरदस्त ये देखें भाई क्या जबरदस्त टेम्पटेड बोटी है और दुम्बे की चर्बी वाह भाई वाह देखें भाई न्यू खान क्वेटा फिश रेस्टोरेंट यहाँ भी भाई माशाल्लाह से देखें हर तरह की मछलियां लगी हुई है जबरदस्त सी अभी देखते यहाँ पे भाई फिश जो है वो फ्राई हो रही है अस्सलाम वालेकुम सर आप ये सबसे पहले स्टॉल का नाम बताएं अपने न्यू खान क्वेटा फिश ये हसन स्क्वायर के पहला स्टॉल है आपका माशाल्लाह हसन स्क्वायर पे पिज्जा पॉइंट के बिल्कुल साथ अच्छा तो कौन कौन सी फिश है जरा बताएं हमें देखिए ये व्हाइट पापलेट है अच्छा ये गिस्सर है रेट भी बता दे रहे ना ये 1600 रुपए केजी है ये धोतर है अच्छा ये 1700 रुपए केजी है ये मुई है ये भी 1600 रुपए के जी है ये व्हाइट इन्हीं काला कौन है 1600 रुपए के जी है ये छोटे मुश्का है ये बड़े मुश्का है अच्छा ये क्या हिसाब किताब ये भी 1600 रुपए के जी आपको मैं दे दूंगा अच्छा ये रोहू है ये भी 1600 रुपए के जी आपको दे दूंगा ये ईरानी पापलेट है ये भी आपको 1600 रुपए ये 1800 रुपए चल रहा है ये 1600 रुपए आपको दे दूंगा अच्छा और ये वाली ये पापलेट है अच्छा ये भी पापलेट की एक नस्ल में से अच्छा और हीरा है ये बंगाश है ये मेड इन वियतनाम है ये बाहर का माल होता है ये ना अच्छा बोलने से ये बोलने से प्योर 2200 रुपए के जी है ये 2400 रुपए चल रहा है और ये मुश्के का फिंगर ही 1000 रुपए के जी है और ये क्या है ये सुरमई के स्लाइस है अच्छा बड़ा सुरमई का लग रहा है तो बड़े सुरमई का पीस है ये क्या हिसाब किताब है इसका ये भी आपको मैं 1600 रुपए किलो दे दूंगा अच्छा और ये प्रॉन है झींगे क्या हिसाब किताब है ये 2200 रुपए किलो ग्रिल में मिल जाएगा फ्राई में मिल जाएगा और कढ़ाई आपको चाहिए होगी 3000 रुपए किलो कढ़ाई है कॉन्टेक्ट नंबर है तो बता दे कॉन्टेक्ट नंबर देखिए भाई ये न्यू खान क्वेटा फिश रेस्टोरेंट है और यहाँ पे जबरदस्त की कढ़ाइयां बनवाएं कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है और ये देख भी लें ये देखिए भाई यहाँ भी ग्रिल लगी हुई है जबरदस्त सी ये भाई दो दो स्टॉल लगे हुए न्यू खान क्वेटा फिश पॉइंट के यहाँ भी देखें माशाल्लाह से इनकी जबरदस्त फिशेज लगी हुई है यहाँ पे फिश फ्राई हो रही है यहाँ सेटअप लगा हुआ सारा यहाँ पे जो है ग्रिल हो रही है दिखाएं भाई कौन सा ग्रिल हुआ ये हीरे का पीस है भाई जबरदस्त ये देखिए भाई जबरदस्त किस्म का जो है बारबेक्यू लगा हुआ ग्रिल लगा हुआ ओए 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 सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम भाई माशाल्लाह आपके हमने दोनों स्टॉल पे विजिट किया है खूब गहमा गहमी मची हुई है और आपने अपने हाथों से कढ़ाई बना के दिखाएंगे बिल्कुल, बिल्कुल ये हम भी जो है झींगा कढ़ाई खाने के लिए आए और ग्रिल फिश खाने के लिए आए बिल्कुल और आपके हाथ से अच्छा सबसे पहले तो ये बताएं कितनी देर में बन जाती है ये 10 मिनट में बन जाती है हमारी 10 मिनट बन जाती है तो क्या क्या चीजें डलती है इसके अंदर सर बहुत सारा मसाला होता है हमारा अपनी प्राइवेट मसाला होता है अच्छा सीक्रेट मसाले हैं सीक्रेट मसाले और ग्रिल फिश की क्या बात है ग्रिल फिश हमारा मास्टर इसका जायका अलग है ये सॉफ्ट बनता है और मुलायम भी होता है अच्छा ये हमारा राइट हैंड है हमारा दादा उस्ताद अच्छा दादा उस्ताद ये बताएगा आपको अच्छा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं मगर ये बताएं क्या राज है इस ग्रिल फिश के बारे में ग्रिल फिश में उस्ताद का मसाला है इनका अच्छा मसाला है सीक्रेट मसाले हाँ सीक्रेट मसाले बाकी मैं इस तरह मेहनत करता हूँ पकाने में तो ये बताएं आज तक कितनी कितनी फिशेज ग्रिल कर चुके हैं मैं कितनी किस्म की हजारों किलो के हिसाब से लगा अच्छा मेरा 10 साल 11 साल का मेरा सर्विस है माशाल्लाह मछली 20 साल से मैं इनके साथ हूँ अच्छा और माशाल्लाह ये तो उस्ताद है इनकी तो बात ही कुछ और है इनके हाथ की तरह कढ़ाई भी खाते हैं और आपके हाथ का ग्रिल खाते हैं ये ईरानी फिश है इसको ईरानी कहते हैं ये रेड स्नेपर है ये झींगे लगे हुए
ये जो है इसका नाम क्या डांगरी फिश है ना। अच्छा, इसको अलग अलग पार्टी का है। अच्छा, अलग अलग पार्टी का, अलग अलग पार्टी का, एक दूसरा है किसी और का, ये किसी और का है, वो किसी और का। अच्छा, इधर अभी लगा हुआ ये देखा कच्चा ग्रिल हो रहा है। अच्छा, इसको कहते हैं रेड स्नेपर। अच्छा, ये हो गया मुश्के का, वो हो गया डांगरी फिले हो गया। ये बिल्कुल मुलायम बनता है, मक्खन की तरह, मक्खन की तरह। आप खाएंगे इंशाल्लाह, आके खाएंगे आपको पता लगेगा। जी फ्रेंड्स, ये हमारे डाटा भाई हैं, इनके पास आए खान न्यू कोटा फिश पॉइंट पे। तो यहाँ पे आके बिल्कुल ग्रिल ट्राई करें और सर के पास माशाल्लाह बेहतरीन कढ़ाई, ये भाई कढ़ाई आ गई जबरदस्त। ओए, अभी गार्निशिंग होगी इसकी। हाँ जी, गार्निशिंग होगी, डायरेक्ट माल हो गया बस। ये जो है झींगा कढ़ाई जा रही है, क्या बात है भाई, इनके का जायका उतारो। ओए माशाल्लाह भाई, इनकी वाल्ला की आपका मसाला है, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है भाई। अभी ट्राई करते हैं फिर बताते हैं, सही है। ये देखे, ये भाई देखे माशाल्लाह से न्यू खान कोयटा का जो है, यहाँ पे फैमिली हॉल है, यहाँ बेहतरीन चपातियां बन रही है। और यहाँ देखे फैमिली बैठी हुई है ना, एंजॉय कर रही है। माशाल्लाह भाई जबरदस्त। आज से पहले मेरे ख्याल में पहले तो इस तरह की इतनी सिटिंग नहीं थी फिश के हवाले से। अच्छा, तो ये भाई जबरदस्त इनका सेटअप है माशाल्लाह से। अभी हम चलते हैं नीचे, भी लोगों का इंटरव्यू लेते हैं जरा। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं माशाल्लाह से जो फिश पॉइंट आप आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? आज हमने सोचा कि एक नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फेमस है वो अकरम फिश पॉइंट है। अच्छा, हमने कहा उसका तो हम खाते ही रहते हैं, जिस तरह किमाड़ी पे राशिद सी फूड है। आज हमने सोचा न्यू खान कोयटा फिश को ट्राई करें और यहाँ पे हम देखें क्या टेस्ट है। फाद भाई क्यों नहीं आ रहा भाई ब्लॉग के अंदर? फाद भाई बहुत शर्मा रहे, शाही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब क्या हाल है, खैरियत से? माशाल्लाह से आपने फिश खाई, कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त फिश था और आज मौसम भी फिश खाने का था। अच्छा, तो खान साहब तो कढ़ाइयाँ खाने के शौकीन होते हैं। जी जी, तो फिश बहुत कम खाते हैं आप, फिश खा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? तो हम अक्सर कराची में रह रहे, कराची वाला का आदत पड़ गया है। आज मौसम भी फिश खाने का था। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा बनाया था, बहुत अच्छा। तो हमारे फैंस को क्या बोले, खाना चाहिए फिश? बिल्कुल खाना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया आप। वो फिश निकल रही है और ये फ्राइड फिश आ गई है, टांगरी फ्राइड फिश। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? अल्लाह का करम सर। माशाल्लाह से हमने विजिट किया आपके दोनों स्टॉल्स के ऊपर, बड़ी गहमा गहमी है। हमने आपका अंदर का भी पूरा जगह लोकेशन दिखाई, फैमिलीज की बड़ा अच्छा इंतजाम है। क्या कहेंगे माशाल्लाह से आवाम का रिस्पॉन्स कैसा है आप? देखिए, हमारे यहाँ पर एक तो क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज नहीं है, और जो हमारा यहाँ का माहौल है ना, वो एक दूसरे को देख के आते हैं। हमारे पास जो मेहमान आता है उनको अपनी तरह से इज्जत देते हैं भाई, माल उनको पूरा देते हैं, क्वालिटी अच्छा देते हैं। यही वजह है कि ईमानदारी की वजह से लोग यहाँ। और मैंने लाइव फिश बनते हुए भी देखी है, बहुत साफ सुथराई से बन रही है माशाल्लाह से, और फैमिली बैठ के खा रही है और इंजॉय कर रही है। तो अभी ये बताएं कि ये जहाँ की टाइमिंग क्या है? यहाँ हमारा ये जो मेन हसन स्क्वायर एक्सपो सेंटर का सामने न्यू खान कोटा फिश है, और बराबर में दुबई जंग इस्लामिक है। हमारा शाम को 4 बजे से लेकर रात को 4 बजे तक दुकान चालू है। अरे बहुत शुक्रिया, अभी आपकी फिश ट्राई भी करते हैं। ठीक है सर। भाई माशाल्लाह से फ्रेंड्स के साथ आए हैं फ्रेंड्स, और यहाँ की जो ग्रिल फिश और झींगा कढ़ाई जिसकी तारीफ हमने सुनी थी, वो अभी अब बन रही है हमारी, तो अभी आएगी, हम ट्राई भी करेंगे। और आपको मस्ट रिकमेंड है भाई, यहाँ पे बिल्कुल जरूर आए आप लोग और बिल्कुल यहाँ की झींगा कढ़ाई और फिश कढ़ाई ट्राई करें। ओए होए होए, अदनान भाई ये आ गई हमारी झींगा कढ़ाई, ये आ गया भाई हीरे का ग्रिल्ड, ये आ गए प्रॉन्स। ओए होए, ग्रिल्ड प्रॉन्स अलग है और फ्राइड अलग है, जबरदस्त भाई, अभी ट्राई करते हैं। ये देखें भाई ग्रिल प्रॉन्स, जूसी जूसी। ओए होए होए, ये देखें भाई। एक्सीलेंट टेस्ट है भाई इसका, और ये वाला भी ट्राई करते हैं फ्राइड वाला, बहुत जूसी भाई, ये भी देखते हैं भाई। बेहतरीन है भाई, ग्रिल्ड भी अच्छा है और फ्राइड भी अच्छा है भाई। ये आ गया प्रॉन्स कढ़ाई का नंबर। ओए होए, धुएं देख सकते हैं आप। ओए होए, ये देखें। एक्सीलेंट टेस्ट है, जबरदस्त, मजा आएगा, मस्त आया भाई।
जी फ्रेंड्स, ये था हमारा फिश का ब्लॉग। और यहाँ की जो फिश फ्राई थी, ग्रिल्ड फिश थी, ग्रिल्ड प्रॉन्स थे, फ्राइड प्रॉन्स थे, हर चीज़ बेहतरीन थी। और सबसे बड़ी यहाँ की जो टेम्पटिंग चीज़ है ना, जो दिल को दहला देने वाली चीज़ होती है, जो आपके सुरूर जाता है पेट के अंदर, और बेहतरीन किस्म की जो कढ़ाई और झींगा कढ़ाई की खुशबू जाती है, आहा। और मौसम भी बड़ा वीआईपी था, तो बहुत मज़ा आया हमें झींगा कढ़ाई खा के। और हम दोस्तों के साथ आए तो और मज़ा आया इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल शाहजहाँ को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा, हमारा फेसबुक पेज भी है शाहजहाँ ब्लॉग के नाम से, उसको भी फॉलो करें। इस ब्लॉग से ले जा रहा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।